gets caught in the crossfire. व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इंडिया सोनिक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी वैगनार जो कन्वर्ट की गई है एक लिमोजिन में। अब आपने लग्जरी कार्स या एसयूवीज को तो लिमोजिन में मॉडिफाई होते हुए देखा ही होगा, पर यहां पर वैगनार को ही लिमोजिन बना दिया गया है। ये मॉडिफिकेशन जो हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान में की गई है मोहम्मद इरफान जी से। इन्हें मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी लंबी गाड़ियों का काफ़ी शौक है, तो इन्होंने अपनी मारुति सुजुकी वैगनार को ही एक लग्जरी सेडान जितना बड़ा बना दिया। अब पाकिस्तान में जो वैगनार अवेलेबल है वो इंडिया से थोड़ी अलग है, पर इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो चीज़ हम देखेंगे वो है कैसे गाड़ी को इतना लंबा किया गया है और इसे 5 सीटर से कैसे 7 सीटर बनाया गया है। अब जो फ्रंट और पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल कार का ही है जो इनके पास पहले से ही थी। मॉडिफाई करते वक्त इन्होंने कार को एकदम सेंटर में से काट दिया। अब वैगनार के ही 2 ओरिजिनल फ्रंट डोर गाड़ी के बीच में फिट किए गए। बीच वाले हिस्से के रूफ और फ्लोर को हैंडमेड टेक्निक से फैब्रिकेट किया गया है और छोटी सी विंडो भी लगाई गई है ड्राइवर और मिडिल सीट के बीच में। मिडिल सीट्स की बात करें तो वैगनार की ही ओरिजिनल ड्राइवर और पैसेंजर सीट्स को गाड़ी के बीचों बीच इंस्टॉल किया गया है कैप्टन सीट्स जैसे, पर ये रियर सीट्स की तरफ फेस कर रही हैं, ना कि दूसरी 7 सीटर्स जैसे जिनमें 3 रोज आगे की तरफ फेस होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें नॉर्मल वैगनार के कंपैरिजन में 2 एक्स्ट्रा सीट्स फिट की गई हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं। पूरे दुनिया में ये सिर्फ एक ही वैगनार है जो लिमोजिन में कन्वर्ट की गई है। इस मॉडिफिकेशन से गाड़ी की लेंथ तकरीबन 1 मीटर तक बढ़ाई गई है, जिससे आसानी से इसमें 7 लोग बिठाए जा सकते हैं, वो भी आमने सामने। बाकी कार पूरी सेम ही है, इंटीरियर्स और इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। पर लेंथ बढ़ाने का एक माइनस पॉइंट भी है। अगर आपको गाड़ी टाइट रास्तों पर चलानी हो, जैसे इंडिया में काफ़ी जगहों पर हम देख सकते हैं, तो टर्न लेने में या लेंस चेंज करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। गाड़ी की सेफ्टी के बारे में भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले ही वैगनार को सिर्फ 2 स्टार्स मिले हैं क्रैश टेस्ट में, और यहाँ पर तो गाड़ी के फ्रेम को काट कर मॉडिफाई करके एक्सटेंड किया गया है। पाकिस्तान में जो मारुति सुजुकी वैगनार है उसकी प्राइस 8 लाख इंडियन रुपीज़ के आसपास है, और ये जो लिमोजिन है उसकी प्राइस रखी गई है अराउंड 12 लाख इंडियन रुपीज़। तो तकरीबन 4 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन इसमें की गई है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको ये मॉडिफाइड वैगनार लिमोजिन पसंद आई या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी सारा कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो यूट्यूब पर नहीं कर पाता। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।